अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सब पार्ट जो थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम 4 to 7 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, हमने पीएच पीओएच एच और ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है इन 0.00030 मोलर HClO4। बच्चों सबसे पहले ट्रिक जो आप लोगों ने देखना है वो क्या है कि आप लोगों ने HClO4 की आयनाइजेशन देखने की, HClO4 किससे डिसोसिएट होता है। तो ये बच्चों बनता है H+ + ClO4 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो HClO4 की कितनी है, वो है 0.00030 मोलर। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो कितना है, तो हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन्स कितनी है बच्चों, 1। मीन्स कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डिसोसिएट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.03 जितनी आपकी टोटल है, तो ये आपके पास आता है 0.00030 मोलर। ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई हाइड्रोजन आयन्स की। अब आपको पता है आपके पास क्या प्रेजेंट है, आपके पास बच्चों हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट है, तो हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, पीएच। और पीएच कैसे फाइंड करते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव की वैल्यू पुट करें बच्चों 0.00030। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने कल आपको पहले तो क्वेश्चन करवाए थे कि 3 × 10³³ (-3), ठीक है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, या फिर आप लोग ने माइनस लोग डायरेक्ट लेना तो आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हो। यहाँ पर एक जो चीज़ मैं कर दूँ ठीक, वो ये कि यहाँ पर ये जीरो है, ठीक है, आपको 6 ना लगे, ठीक है, ये जीरो है। अब इसका अगर आप लोग बच्चों लोग लोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3.52, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, पीएच तो आपके पास आ गई, तो आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो 14 के बराबर होता है। आपके पास कोई से दो चीज़ें प्रेजेंट हो तो आप लोग थर्ड वन जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो पीएच क्या है, 3.52, पीओएच हमने फाइंड करनी है। तो पीओएच इज इक्वल टू 14 - 3.52। अगर आप इसका आंसर कैलकुलेट करो, सॉरी ये कल वाली जो है वो रिमेनिंग रह गई थी, पीएच का पीओएच का आंसर फाइंड करो तो आपके पास आंसर आता है 10.48। तो बच्चों आपके पास 0.00030 मोलर HClO4 की पीएच जो है वो है 3.52, जबकि इसकी पीओएच है वो है 10.48। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देने की, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। ओएच तो पता है आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये आपके पास एसिड था। पीएच क्या आई है और पीओएच क्या आई है, ठीक है। आप अगर बच्चों कॉन्सेंट्रेशन देखें NaOH की, तो कितनी है, वो आपके पास आती है 0.55 मोलर। हमने किसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रेशन किसकी, हाइड्रोक्सल आयन्स की, जो कि इक्वल होती है 0.55 मोलर। अब 0.55 मोलर डेट क्यों है, क्योंकि आपके पास जो एन ए है मीन्स कि एन ए पॉजिटिव जो है 1 मोलर है, ठीक है, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बच्चों एक बेस है, हाइड्रोक्सल आयन प्रेजेंट है, तो हम इसकी पी ओ एच फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लोग इंटू 0.55। आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेटर में लिखो तो आपके पास जो पी ओ एच आती है वो बच्चों आती है 0.26, ठीक है। अब सेम वही बच्चों टेक्निक, वही फॉर्मूला, वो क्या है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब पीओएच आपके पास प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट कर देंगे वहाँ पर, तो पीएच इज इक्वल टू 14 - 0.26 इज इक्वल टू 13.7। ये आपके पास पीएच आ गई 0.55 मोलर NaOH की, ठीक है। वैल्यूज आप लोगों ने इसकी पुट कर देनी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने फाइंड करनी है 0.055 मोलर HCl की कंसंट्रेशन। तो आपको पता है HCl जो होता है वो कैसे डिसोसिएट होता है, वो होता है H+ + Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होता है, ठीक है। आपका एक ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको पता है कंसंट्रेशन जो है किस चीज़ की, वो HCl की, वो है 0.055 मोलर। अब हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट है, 1, तो आपके पास कंसंट्रेशन जो होगी किस चीज़ की, हाइड्रोजन आयन्स की, वो कितनी होगी, वो होगी 0.055 मोलर। अब बच्चों यहाँ पर जो चीज़ समझने की वो ये, क्या पता है कि हाइड्रोजन आयन्स है तो हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, पीएच, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग एच पॉजिटिव। आप लोगों ने डेट क्या करना है, 0.05 मोलर की वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग इंटू 0.055 मोलर, ठीक है। तो पीएच का आंसर क्या आता है आपके पास, पीएच आती है बच्चों 1.26।
अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिखने हैं, मीन्स फॉर्मूला लिखने हैं, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। पी ओ एच यहाँ पर रहेगा, पी एच उधर ले जाएंगे तो साइन जो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 14 माइनस 1.26, आप इसकी वैल्यू फाइंड करो तो पी ओ एच का आंसर आता है 12.74। यही वैल्यूज आप लोगों ने अपने टेबल के अंदर लिख देनी है। ये बच्चों आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, किसी भी तरह आप लोगों के क्वेश्चन ये हैं आ सकते हैं। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने आपको दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप लोगों ने मोलैरिटी जो है वो सॉरी कंसेंट्रेशन जो है वो फाइंड करनी है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ए ओ एच टू का, ठीक है, वो कैसे डिसोसिएट होता है, इंटू सी ए टू प्लस प्लस टू ओ एच नेगेटिव। जो कंसेंट्रेशन है आपके पास सी ओ ओ एच टू की वो कितनी है, वो बच्चों आपके पास है 0.055 मोलर। और कंसेंट्रेशन जो है किस चीज़ की, हाइड्रोक्सिल आयंस की, वो कितनी है, आप पता है 2 ओ एच नेगेटिव है, मींस कि जितनी आपके पास टोटल कंसेंट्रेशन उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.055 मोलर। अगर इसका हम आंसर कैलकुलेट करें वो आता है 0.11 के बराबर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पी ओ एच लेंगे, आपको पता है क्या है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है तो एक हमारे पास बेस है, तो पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू 0.11। इसके अगर आप पी ओ एच लें कैलकुलेटर से तो इसका बच्चों आंसर आता है 0.96। अब सेम फॉर्मूला पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14, ठीक है, आप पी एच फाइंड करनी है, पी एच यहाँ पर रहेगी, पी ओ एच उधर रहेगी, तो 14 माइनस क्या आता है 0.96, इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आंसर निकलता है 13.04। तो ये बेसिकली आपकी इसकी पी एच है, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक्स हैं, सिंपल सी टेक्निक्स हैं, आप लोग इसको आसानी से बच्चों सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इतना ही, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, आपको समझ आई है। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो सैटरडे से, तब तक के लिए फेमा नीला।